नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में बाघराज एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। बता दें कि यहां हर सिद्धि माता का मंदिर है, जिन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। इस मंदिर के नीचे पहाड़ी गुफाओं में एक विशालकाय अजगर रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को अजगर के दर्शन हो जाएं, तो उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। यहाँ के लोग इस अजगर को अजगर दादा के नाम से बुलाते हैं। नवरात्रि पर अजगर दादा अपने दर्शन जरूर देते हैं। लोग इन अजगर दादा को देवता मानकर पूजते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अजगर से डरते नहीं हैं, बल्कि गुफा में रहने वाले इस 15 से 20 फीट के अजगर की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि गुफा के कुछ फीट बाहर अजगर दादा भी आते हैं। लोगों ने बताया कि उनकी लंबाई 15 से 20 फीट है और उनकी मोटाई किसी कमरे के खंभे जितनी बहुत मोटी है। लोगों का कहना है कि अब अजगर दादा काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए अब वो गुफा से बाहर आकर भी दर्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन लोग गुफा के द्वार पर जल और फूल चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि अजगर दादा आज भी यहाँ मौजूद हैं। री के अनुसार बचपन से लेकर अब तक माँ भगवती के मंदिर में बाघराज दादा के रूप में चमत्कार होते रहते हैं। नवरात्रि के पर्व पर और मंदिर के विशेष धार्मिक कार्यक्रमों में अजगर दादा किसी न किसी रूप में भक्तों के सामने आते हैं। अगर किसी को उनके दर्शन हो जाएं, तो माना जाता है कि यह बहुत ही शुभ होता है। इसे स्वयं भगवान के दर्शन माना जाता है। नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। भक्तों का कहना है कि प्रतिपदा से नवमी के बीच किसी दिन अजगर दादा दर्शन देने जरूर आएंगे, लेकिन वह किस रूप में किसे कब अपने दर्शन देंगे, फिलहाल इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मान्यता है कि अजगर दादा काले सांप या छोटे अजगर का रूप धारण कर भक्तों को दर्शन देने आते हैं। जब भी वह दर्शन देने आते हैं, तो भक्त उन्हें छूकर प्रणाम करते हैं। माता मंदिर का यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अजगर दादा आज भी यहाँ साक्षात मौजूद हैं। उनके आशीर्वाद से ही आज तक इस इलाके में सांप की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, जबकि यह इलाका पहाड़ियों, जंगलों और खेतों से घिरा हुआ है।